बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने बचाई 6 साल की मासूम की जान। सलमान खान ने खुद बच्ची की जान को बचाने के लिए अपना बोन मैरो किया डोनेट। सलमान खान बन चुके हैं देश के पहले बोन मैरो डोनेटर। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई ये बात हम सब जानते हैं कि सलमान खान कितने ज्यादा दरियादिल हैं। हम सब जानते हैं कि सलमान खान हर वक्त किसी न किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये इस बार जो सलमान खान ने कर दिखाया है वो कोई मामूली बात नहीं है। जी हाँ, सलमान खान ने 6 साल की मासूम बच्ची की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। जी हाँ, सलमान खान देश के पहले बोन मैरो डोनेटर बन चुके हैं। सलमान खान ने एक बच्ची की जान को बचाने के लिए अपना बोन मैरो डोनेट कर दिया। अब ये पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से ठीक 14 साल पहले सलमान खान ने 6 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए अपना बोन मैरो डोनेट किया था, और इसी के साथ सलमान खान देश के पहले बोन मैरो डोनेटर भी बन गए थे। दरअसल पूजा नाम की एक छोटी सी बच्ची के बारे में जब सलमान खान को पता चला कि उसे सख्त इमरजेंसी अर्जेंटली बोन मैरो डोनेशन की जरूरत है, तो सलमान खान से रहा नहीं गया। सलमान खान ने जैसी ही खबर पड़ी तो सलमान खान ने पूरे देश से बोन मैरो डोनेट करने के लिए अपील किया। ना सिर्फ पूरे देश से, अपने परिवार वालों से, अपने जो उनकी स्पोर्ट्स की टीम है उनसे भी बोन मैरो डोनेट करने के लिए कहा, लेकिन हर कोई एन वक्त पर पीछे हट गया। किसी ने भी उस बच्ची पूजा की मदद नहीं की, वरना पूजा की जान भी जा सकती थी। जब सलमान खान को लगा कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो सलमान खान ने खुद आज ही के दिन अपना बोन मैरो डोनेट किया और उस मासूम बच्ची पूजा की जान बचाई। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ठीक आज के ही दिन, आज से 14 साल पहले, सलमान खान देश के पहले बोन मैरो डोनेटर बन गए थे। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि बोन मैरो क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमारे शरीर की लंबी हड्डियों के खोखले सेंटर में मौजूद स्पंजी टिश्यू बोन मैरो कहलाते हैं। इसे ब्लड सेल्स फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका काम ब्लड सेल्स बनाना होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिरकार इस 6 साल की मासूम बच्ची पूजा को बोन मैरो डोनेशन की जरूरत क्या थी, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बोन मैरो डोनेशन से ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। हालांकि बोन मैरो लेने से पहले कुछ मेडिकल या हेल्थ कंडीशन भी देखी जाती है। यानी कहीं ना कहीं पूजा जो बच्ची है वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और इसीलिए उसे सख्त से सख्त आज से 14 साल पहले बोन मैरो डोनेशन की जरूरत थी। लेकिन जब पूरे देश ने हाथ खींच लिया तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के सुल्तान भाईजान यानी सलमान खान ही काम आए। आपको बता दें, वैसे सलमान खान दूसरे लोगों की, आम जनता की देखभाल के लिए, उनकी अच्छी मदद करने के लिए सलमान खान अपना खुद का एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। सलमान खान अपने इस एनजीओ के जरिए कई लोगों की मदद अब तक करते आए हैं। ना सिर्फ अगर हम बात करें उनके एनजीओ की, बल्कि बॉलीवुड में भी आपको बता दें कि कई सारे जो स्टार्स हैं उनको सलमान खान ने ही लॉन्च किया है, चाहे वो फिर जैकलीन हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, कटरीना कैफ हो, कई स्टार्स को सलमान खान ने ही बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक दिया है। तो सलमान खान हमेशा से ही दूसरों की मदद करते आए हैं, लेकिन इस बार जो सलमान खान ने किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। सलमान खान की वजह से एक छोटी सी मासूम बच्ची पूजा की जान बच गई। सलमान खान की इस दरियादिली के लिए आज हर कोई उनका शुक्रगुजार है। और आज सलमान खान के बोन मैरो डोनेटर होने के पूरे 14 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए सलमान खान के फैंस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।